देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज़ इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि पंजीयन एवं मुद्राक विभाग द्वारा रजिस्ट्री के नित्य नए नियम प्रयोग करके आम जनता को हैरान व परेशान करने के एवं बिना किसी मशीनरी के नए प्रयोग कर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बंद कमरे के लिए गए फैसले दस्तावेज पंजीयन में टाइम स्लॉट प्रणाली एवं सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री के कार्य में लिमिटेशन करने की घोषणा जयपुर से की गई है। इस मामले में आम जनता डिड राइट्स को साथ लेकर अधिवक्ता समुदाय एवं राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि आज बैठक में इन सब के विरोध में बार एसोसिएशन की ओर से यह फैसला लिया गया कि इस गंभीर मामले में बंद कमरों में निर्णय लेने वाले दोषी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार बर्खास्त किया जाए एवं पंजीयन एवं मुद्राक विभाग द्वारा टाइम स्लॉट प्रणाली एवं दस्तावेज लिमिटेशन की जाती है तो जयपुर सहित पूरे राजस्थान में पंजीयन कार्य रोक दिया जाएगा और सुनिश्चित काल के लिए आंदोलन किया जाएगा। आज बैठक में उपाध्यक्ष विक्रम सिंह राठौड़, संयुक्त सचिव धर्मेंद्र चतुर्वेदी, उप कोषाध्यक्ष अखिलेश जोशी सहित सभी कार्यकारिणी सदस्य मनीष शर्मा, विनोद पवार, सुभाष शर्मा, आरती वर्मा, समीम कुरैशी मौजूद थे। लगातार रजिस्ट्री के कार्य में नित्य प्रयोग करके आम जनता को लगातार परेशान किया जाता है। इसी मामले में टाइम स्लॉट प्रणाली एवं लिमिटेशन सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीयन विभाग बंद कमरे में बैठ करके यह निर्णय लेकर के लागू कर रहा है कि आम जनता को इससे फायदा होगा, लेकिन आम जनता को इससे गहरा परेशानी होगी क्योंकि आम जनता को लगातार दर दर भटकना पड़ेगा। जो आम जनता कलेक्ट्रेट सर्किल पर रजिस्ट्री करवाना चाहती है उसको आमेर जाके करवानी पड़ेगी, जो आम जनता झोटवाड़ा में रहती है उसको सांगानेर पर रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। इसी तरीके से लिमिटेशन की जा रही है दस्तावेज की, एक सब रजिस्ट्रार 100 दस्तावेज करता है तो उसकी जगह 60 की लिमिटेशन की जा रही है, जबकि इनका सर्वर हमेशा खराब रहता है। ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से लगातार और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का विरोध करता है। और हम घोषणा करते हैं अगर ये प्रणाली लागू होगी तो इस विषय में आंदोलन होगा और पूरे राजस्थान के अंदर रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार होगा। डॉक्टर सुनील शर्मा, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार जयपुर।